प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी, आज किस बात को लेकर यहाँ धरना दिया गया है? पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का यहाँ पहुँचने का स्वागत करता हूँ। आज रिटायर्ड कर्मचारी संघ पूरे प्रदेश में जो महिला कुश्ती पहलवानों के साथ जो सांसद हैं भाजपा के बृजभूषण शरण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने इन कर्म पहलवानों के साथ यौन शोषण के बड़े करोड़ कुकृत्य उन्होंने किया है, उसके खिलाफ आज पूरे प्रदेश में रिटायर्ड कर्मचारी संघ जिला कार्यालयों पर धरना दिए हुए है और मांग करता है कि बृजभूषण शरण की जल्द गिरफ्तारी हो और उसको सलाखों पीछे दिया जाए और उन कुश्ती पहलवानों को न्याय मिल सके, ताकि भविष्य में कोई भी कुश्ती पहलवान हमारी जो बेटियां हैं वो निर्भीक होकर के देश का गौरव बढ़ाने में वो काम करें। इसके साथ साथ जैसे हमारे हरियाणा में भी संदीप सिंह है महिला कोच के साथ, इसने भी बदमाशी की है। एक तो ये पता नहीं भाजपा वालों का चरित्र कैसा है, ये एक ऊंचे पदों में बैठे गरिमा में पदों में बैठ करके भी महिलाओं के यौन शोषण के ऊपर इतना ये भाजपा का चरित्र जो है वो महिलाओं के प्रति सही नहीं है। बातें तो बड़ी करते हैं, महिला को माता भी बोलते हैं, उनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ भी कोशिश करते होंगे, लेकिन इनके जो अंदर जो आत्मा है वो काफ़ी महिलाओं के प्रति मलिन और दूषित है। तो हमारी मांग ये है कि इन संदीप सिंह खेल मंत्री हरियाणा और बृजभूषण जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं भाजपा के सांसद हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और इन खिलाड़ियों को न्याय दिलाया जाए। आज का हमारा ये मुद्दा था। इस विषय में हमने राष्ट्रपति को भी ज्ञापन दिया है उपायुक्त के माध्यम से, प्रधानमंत्री को भी लिखा है और हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा को भी लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को भी लिखा है। ये आज का हमारा बैठने का यह उद्देश्य था। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू।